चले जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो है, हाँ नंपायर को स्टार्ट किया था, ठीक है। और अल्लाह आपका भला करे। इस पे एक इसको इंस्टॉल करूँगा। वो ठीक है। ये हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, ये जरूर कर लिया करें, फिर ना बाजू का आप कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करना होता है तो वो मसला हो जाता है, ठीक है। तो हम एनाकोंडा का ये प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं और ले भाई साहब, ठीक है। मेरा ख्याल है दूसरी ड्राइव हमारी डी ड्राइव है, इस पर ये काम करता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। आई पाइथन, ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट आ गया। और लास्ट में हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ा मैं नंपाई से स्टार्ट ले लेता हूँ और आप मुझे बताना कि भाई क्या क्या चीज़ जो है ना आपको प्रॉब्लम कर रही है। हाँ जी, अब बताओ। सर वो रैंडम वाला जो था, हम उसको सिंपल करते थे तो वो ठीक है, लेकिन मतलब कि कोई चीज़ को उसके साथ वो असाइन करके फिर करते थे तो सेम नंबर आता था वहाँ पर। नहीं, वो आपने रैंडम के साथ सेम नंबर, एक मिनट, आपने रैंडम में सबसे पहले तो एक रेंज देनी है, उस रेंज में से वो उठाएगा, यही किया था ना, यस सर, रेंज देनी है आपने, उस जीरो रेंज में से से वो उठाएगा और ओके जीरो से लेके 100 तक, ठीक यस है। सर, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, यस इससे पता लग रहा है कि 5 कॉलम्स और 5 रोज़ और 5 कॉलम्स के अंदर पूरे जो है ना इस रेंज में से 5 रोज़ और 5 कॉलम्स बना दो, एक मैट्रिक्स बना दो, ये ठीक सर है। इसमें आप जो ये कह रहे हो सेम नंबर, उस यस सेम नंबर वाला मामला जो था वो मेरे भाई क्या कहते हैं, वो कौन सा फंक्शन था उस दिन जो हमने किया था, एक सेकेंड, चलो उसको ना लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेम नंबर वो फंक्शन कॉल करते हो तो जो नेक्स्ट लाइन पे होगा ना तब वो सेम, वो कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, यही बात हुई थी ना, ठीक है। चलो मैं नम पाएगा ना लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, पांडास को स्टार्ट करते हैं फिर वो ले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये भी लगता है कि तरह से तीन हाँ जी, सबसे पहले पांडा से हम, मैं आपको ये बता दूं, ये देखें जी, देखो जो नम पाए है ना वो बेसिकली क्या है, वो एक न्यूमेरिक्स के साथ खेलने की एक एक लाइब्रेरी है, ठीक है। जो पांडास है ना वो पता क्या है, वो चूंकि वो ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरी है, लेकिन जो वो इंटरनली नम पाई को इस्तेमाल कर रही है, पांडास 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 ऐसे बनी हुई, ये देखो ऐसे, ये पांडास है, ठीक है, ये हम है, हम पांडास को इस्तेमाल करते हैं, पांडास आगे से नम पाई को इस्तेमाल करती है, नम पाई ऑब्वियसली पाइथन लैंग्वेज को, ठीक है, ये तीन लेयर्स बन गई। अब आपकी मर्जी है, आप पांडास को इस्तेमाल करना डायरेक्टली कर लो, ठीक है, वो भी इंटरनली नम पाई को इस्तेमाल, कुछ आपने नम पाई के फंक्शंस करने हैं तो आप डायरेक्टली नम पाई को इस्तेमाल कर लो, समझ रहे हो बात को। पांडास जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है, पांडास जो है वो नम पाई पे बेस करती है, ठीक है, पांडास इंटरनली नम पाई को यूज करती है, ठीक है। पांडास एक डाटा साइंस की, एक डाटा मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है, ठीक है, जो डाटा साइंस पे, डाटा साइंस क्या है बेसिकली, डाटा के साथ खेलना, डाटा के साथ खेलना, ठीक है। तो यार डाटा के साथ खेलने के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही जो है ना दुनिया में मानी हुई लाइब्रेरी है ये, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये, ठीक है। तो चले, अब हमने पांडास को करना है, हम क्या करेंगे, ठीक है, हम देखते हैं। अब हमारे पास दो वेज हैं इंस्टॉल करने के, पिप इंस्टॉल पांडास,
ठीक हो गया, राइट। तो या आप एनाकोंडा पे हो तो एनाकोंडा आपको एक पैकेज मैनेजर प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं कोंडा। इन दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। तो चलो हम कोंडा में कर लेते हैं, देखते हैं पांडास काम कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं पांडास नहीं इंस्टॉल हुआ, हो सकता है हुआ हो, हुआ होगा तो तब भी ठीक है, नहीं हुआ होगा तो तब भी ठीक है, राइट। ये अब इंटरनेट पे जाएगा, जहाँ ये लाइब्रेरी पड़ी हुई है ना, इसको पता है, वहाँ से उसका लेटेस्ट वर्जन जो है ना डाउनलोड करके आपकी मशीन में ग्लोबल लेवल पर इंस्टॉल कर देगा। फिर जब भी आपने करना है तो आपने जस्ट इंपोर्ट का बटन, इंपोर्ट का स्टेटमेंट यूज़ करना, इंपोर्ट करो और यूज़ करना शुरू करो। असल में तब मज़ा ज़्यादा तब आएगा जब आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करोगे, फिर यकदम जो है ना कहानी यहाँ पहुँच जाएगी। ये तो बुनियाद बन रही है ना। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि प्रैक्टिकली करके, और प्रैक्टिकली नॉर्मल तरीके से एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट हाथ से गुजार लो, सारा धुल जाता है आपका, वो जो आपका माइंड लेवल क्या चला जाता है। तो इसलिए जी जी बिल्कुल। और बच्चों आपके पास राइट टाइम है, आप लोग अभी अपना फील्ड चूज कर लो, अगर आपको ये अच्छा लगता है ना, तो डाटा साइंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरा कैरियर है, और दुनिया की हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, हर चीज़ में। जितना जितना आप डाटा साइंटिस्ट कहलाओगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर घुस जाओ, किसी और जगह पर घुस जाओ, ठीक है ना, तो ये हर जगह आपको मतलब कमाल चीज़ है, एक स्पेशलाइज्ड आपका एरिया है। जनरल डिग्री ना करना, मेरी मानना, मैं अपने ज़िंदगी के तजर्बे से बता रहा हूँ। मतलब ये कि जी BSc करके बैठ गए, ठीक है ना, उन्हें भी पढ़ाता, वो भी पढ़ाता, वो ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, तो वो कोई मतलब जो है ना स्पेशलाइज डिग्री करो, जिस तरह मैंने आपको कहा डाटा साइंस की, राइट जी। ये इंस्टॉल हो रहा है, पहले उसने एक्सट्रैक्ट किया, देख रहा है ना, उसने कहानी बनाई, ऐसे वो इंस्टॉल कर, राइट। अब लिनक्स का एनवायरनमेंट देख लो ना, तो वो भी ऐसे ही कंट्रोल हो रहा होता है, कमांड दी, क्लाउड को देख लो, क्लाउड भी आप ऐसे ही कंट्रोल करते हो, राइट। कमांड लाइन के ऊपर जो है ना वो हाथ करना सीखो। ले जी, हमने कर दिया, पहली स्टेटमेंट हमने दे दी, क्या पिप इंस्टॉल या पांडास। पिप, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, पिप किसका पैकेज मैनेजर है? पाइथन का, मतलब कोर पाइथन, यानी पाइथन लैंग्वेज का अपना जो है ना वो पिप है। अगर आप एनाकोंडा, एनाकोंडा क्या चीज़ है? हाँ, किस चीज़ के लिए? डेटा साइंस का, डेटा साइंस की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, ठीक है। और ये जो कोंडा है, ये क्या चीज़ है? नहीं, ये उस एनवायरनमेंट का पैकेज मैनेजर, उस एनवायरनमेंट की भी तो कुछ पैकेजेस हो सकते हैं ना, तो वो कह रहा है कि यार इससे कर लो या इससे कर लो। अगर आप प्योर पाइथन करोगे तो सिर्फ पिप चलेगा, कोंडा नहीं चलेगा। कोंडा सिर्फ तब आपको अवेलेबल होगा जिस वक्त आपने एनाकोंडा किया होगा, राइट। ओके, चले जी, नॉर्मल तरीके से हम करते हैं। ले जी, इम्पोर्ट नजर आ रहा है आपको, एक मिनट अब देखा। हाँ जी, इम्पोर्ट पांडास एज PD कर देते हैं। नहीं जी, अगर इसने हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दी, उसका मतलब है उसको मिल गया, बोलो मिल गया, उसने आपको कोई एरर नहीं दिया, वरना वो कहता यार ये क्या है मुझे नहीं पता। उसने इस सेशन की हद तक पांडास को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है। आप फिक्र ना करो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पिछली कोई चीज़ नहीं समझ आई ना, कोई ऐसा मसला हुआ है या आपके पास टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस करने का, तो हम पांडास को करके ना प्लॉटली से पहले थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, एक आधी क्लास में ना सब कुछ दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। जब तक आप ओके नहीं करोगे ना, हम प्लॉटली पे नहीं जाएंगे, ठीक है। प्लॉटली पे डायरेक्टली ग्राफ्स, चार्ट्स और वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर राइट, ले जी, हमने पांडास पे कर लिया जी, ओके ठीक है। अब बात पे गौर करो, होता पांडास ने करना क्या है, ठीक है।
पांडास में हमने करना यह है कि डेटा का कोई भी सोर्स हो सकता है, डेटा का कोई भी सोर्स हो सकता है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देखो डेटा इस मशीन के अंदर भी चल रहा है, ठीक है, किसी भी मशीन के अंदर, इस मशीन में भी डेटा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक टेलीकॉम सर्वर है, मिसाल के तौर पर टेलीकम्युनिकेशन होती है ना, वो आपको बिल नहीं आते, ठीक है, हम तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो डेटा कहाँ से आ रहा होता है? वो मशीन जो है ना, वो जो मशीनें होती हैं इसकी टेलीफोन एक्सचेंज में जो लगी होती है, वो आपकी कॉल्स का रिकॉर्ड कहीं सेव कर रही होती है। अब वो अगर वो चूंकि एफिशिएंसी चाहिए, तो वो कॉल का रिकॉर्ड ना एक डेटाबेस सर्वर में सेव करने के की बजाय ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेव करते हैं, ताकि उनके ऊपर लोड ना पड़े। उस सिंपलेस्ट फॉर्म को आप बाद में चाहे इस्तेमाल कर लो। मिसाल के तौर पर मैंने एक टेलीकॉम कंपनी में काम किया था, ठीक है, टेलीकॉम में क्यों कह रहा हूँ कि उसमें डाटा होता बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो टेलीकॉम कंपनी में काम किया था, तो उसमें यह था कि आपको ना PTCL ने, जो ख़ासतौर पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है ना वो डाटा जो है वो उसने अपने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर टेलीकॉम रीजन, उसको LTR कहते हैं, एक है। अब इसमें LTR में सिर्फ एक शहर नहीं आता, मेरे ख्याल है कसूर, उकाड़ा, आसपास के जितने भी सिटीज़ है ना वो भी उसके अंदर आते हैं। फिर GTR है, गुजरा वाला टेलीकॉम रीजन, गुजरात, सियालकोट, सब बीच में आते हैं, मंडी, बहाउद्दीन, वो एक और वो है जिसका ये पिंडी भटिया जिसका है शहर, ठीक है, वो भी बीच में ही आता है। अच्छा खासा जो है ना ये, अगर मतलब हम लोगों को डाटा को एनालिसिस करने के लिए PTA की तरफ से फाइलें भेजी जाती थी CDs में, ये पुरानी बात है, ठीक है ना। वो जो उन्होंने मशीन्स ने जो डाटा जनरेट किया होता था ना वो भेजते थे, साथ वो हमें बिल भेजते थे, वो कहते थे ये डाटा है, ये रियल डाटा है, ये हमारा बिल है, आप आपस में इनका कंपैरिजन कर लो, डाटा को इंपोर्ट करो, इन पर सॉफ्टवेयर बनाओ, एनालिटिकल सॉफ्टवेयर बनाओ, और इनको चेक करो कि क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, डिफरेंस है तो हमसे क्लेम करो। और वैसे भी हमें बहुत ज़रूरत होती थी उस डाटा की, वो सीरीज़ की फॉर्म में ना हर रीजन का डाटा आता था। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, एक रीजन का डाटा जो है ना वो होता था 60 लाख जो है ना वो रोज़, 70 लाख रोज़, 1 करोड़ रोज़, इस तरीके से। और किस फॉर्म में होता था वो? CSV फॉर्म, वो जो उस दिन हमने हल्का सा देखा था। वो फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको CSV फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यार एक मिनट, मेरा ना मेरा ख्याल उस मशीन में पड़ा हुआ है, तो वो मैं ना उसमें से निकाल के, तो फिर मैं चले बात करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, उस दिन शायद आपको दिखाया भी था, वो कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नए कॉलम पे जाना है ना, ठीक है, तो आपने एक वर्ड लिखा, एक टेक्स्ट लिखा होगा, एक डाटा होगा, कॉमा दूसरा, कॉमा तीसरा, ये जो है ना कॉमा जो है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर, किसको? कॉलम्स को। और उसके बाद जब वो एक रो ख़त्म हो जाती है ना, तो एक एक हिडन करेक्टर होता है, उसको कहते हैं कैरेज रिटर्न, एंटर, एंटर नहीं आप करते, एंटर करके, तो एंटर आप करते हो तो कुछ तो कंप्यूटर को पता लगता है ना, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वो आपको नई लाइन में ले जाता है। वो कैरेज रिटर्न का एक करेक्टर होता है, जो हिडन करेक्टर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अगर आप जाओ ना, तो वो अगर आप उसको दिखाओ तो वो आपको दिखा देता है कि वो एक खास करेक्टर शो करने लग जाता है, अनहाइड कर दो उसको। तो वो जो न्यू लाइन का करेक्टर, उसको कैरेज रिटर्न भी कह देते हैं, एंटर भी कह देते हैं, न्यू लाइन भी कह देते हैं। कॉमा, कॉमा डिफ्रेंशिएट करता है कॉलम्स को, और जो न्यू लाइन करेक्टर है ना वो नई लाइन को क्रिएट करता है, ठीक है ना। जहाँ मेमोरी के अंदर वो न्यू लाइन का करेक्टर लिखा हुआ होगा ना, वो हमें नज़र नहीं आएगा, बस नई लाइन बनी हुई होगी, इसका मतलब है वो नई लाइन, ठीक है। तो नई लाइन वो न्यू लाइन का करेक्टर से वो आइडेंटिफाई करता है, और कॉमे से आइडेंटिफाई करता है कॉलम। ये दो निशानियां होती हैं, सिर्फ ये दो निशानियां उसके पास CSV फॉर्मेट के, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्लियर हो गई बात? ले जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, डेटा का सोर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है,
कोई भी डाटा सोर्स हो सकता है, CSV फॉर्मेट हो जाए, कोई डेटाबेस हो जाए किसी मशीन से डायरेक्टली डाटा के, तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली पांडास के अंदर उन डाटा के सोर्सेज को रीड करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसने डाटा के साथ खेलना है। वो क्या करता है, जो मैं आपको पहला स्टेप बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कोई CSV फाइल पड़ी है ऐसे, ठीक है, तो उसने क्या करना है, उसने इस CSV फाइल को रीड करना है, और रीड करने के बाद वो CSV फाइल फिजिकली पड़ी हुई है, वो लिखी हुई पड़ी हुई है, उसके बाद उसने मेमोरी के अंदर ना एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना। वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है जैसा डेटाबेस का टेबल होता है, यानी कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो रोज, रियल रोज और कॉलम्स का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को वो कहता है डेटा फ्रेम। क्या कहता है? पहले मैंने उस दिन आपको डेटा सेट का भी लफ्ज बोला था, वो भी लफ्ज बोल सकते हो, लेकिन ये पांडास पर्टिकुलरली उसको बार बार डेटा फ्रेम कहता है, तो ठीक है हम वही बोल देते हैं, ठीक है, उसको वो डेटा फ्रेम कहता है। अब मुझे एक बात कर, और जब उसने खेलना होता है तो वो उस डेटा फ्रेम के साथ खेलेगा। अब बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, डाटा का कोई भी सोर्स हो सकता है, कहीं से भी डाटा उठाया जा सकता है, किसी भी फॉर्मेट का डाटा हो सकता है। आपने पांडास का मुतल्लिका डाटा को रीड करने वाला फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, उसने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जिस किस्म का डाटा है उस किस्म का फंक्शन कॉल करना। अगर CSV है तो CSV वाला फंक्शन कॉल कर लो, उसमें हर किस्म का फंक्शन, डाटा बेसिस से बात करने के लिए भी है, NoSQL डेटाबेस एक कैटेगरी होती है उससे भी रीड करने का सारा उसके पास मैकेनिज्म मौजूद है, JSON फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है, ये कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट है, इन्हीं फॉर्मेट्स पे मशीन जो है ना वो सेव करती है, बल्कि ये तक फॉर्मेट होता है जिस तरह ये डाटा लिखा हुआ, इसमें कोई निशानी पता लग रही कौन सी है, कौन सा रो है, कौन सी कॉलम है, कोई पता नहीं लग रहा, ओपन डाटा बिल्कुल रॉ। तो ये इसको फिर सर्च करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कोई निशानी तो होनी चाहिए कि भाई ये कॉलम है, ये रो है, आपने अगर कॉलम को आइडेंटिफाई करना है तो ये जहां ये देखो वो क्या करेगा, ये कॉमे लगे हुए, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 6, ये दरमियान में कॉमे लगे हुए, वो जो ये कॉमे लगे हुए इसी तरह ये लाइने बनी हुई है सारी, ठीक है, ये देखो ऐसे इस तरीके से, ये बात समझ आ रही है। उसने ये जो कॉलम है ना ये उठा के ना इसके अंदर डाला, वो पहचानेगा कहाँ से, इन कॉमों से, ठीक है, अगला वाला उठा के ये पूरा 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 जो लिखा हुआ है ये उठा के इसमें डाल दें, ठीक है, ये उठा के इसमें डाल देना। अब उसके पास एक डाटा फ्रेम अवेलेबल हो गया, अब उसके साथ खेलना शुरू कर दो, यानी पीछे से डाटा किसी भी फॉर्मेट में आया, उठा के डाटा फ्रेम में डाला, एक एक ही किस्म का स्ट्रक्चर बन गया, उसके साथ शुरू हो जाओ, समझ आ गई ना बात की। और ये डाटा फ्रेम मेमोरी के अंदर होता है। हाँ, आपने जिस तरह फॉर्म उठाया, आपने डाटा फ्रेम में डाला, मेमोरी के अंदर एक डाटा फ्रेम बन गया, उसके बाद जो आपने खेलना खेला, और दोबारा भी आप किसी और फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट कर सकते, सही है। एक और फॉर्मेट भी है, एक्सेल स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं, वो भी तो फॉर्मेट है ना, एक्सेल स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं, स्प्रेडशीट बहुत सारी किस्मों की होती हैं, ये गूगल स्प्रेडशीट है, एक लोटस 1-2-3 होती थी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट है, मतलब उसमें वही होता है रोज और कॉलम्स वाला ही होता है, बस वो दरमियाना जहाँ डाटा पड़ा होता है उसको सेल कहते हैं, सही है बात। ओके, तो आज मैं ना थोड़ा सा चलूँगा स्लो, लेकिन ख़त्म कर देंगे हम इंशाल्लाह ताला, क्यों, ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए, और अब ये डन हो गया कि अगली क्लास में हम मैं नहीं करूँगा, अगली क्लास में ऐसे करूँगा, मैं आपको करवाने के बाद ना आप लोगों ने लैपटॉप लेकर आने, और यहाँ आप लोगों ने करते जाना है और मैं करेक्शन करता जाना, खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक हो गया, डन। और पांडास तक हम अगली क्लास में ऐसे कर लेंगे, फिर उससे अगली क्लास में हम प्लॉटली शुरू करेंगे, ठीक है, आज पांडास को कम अज़ कम कर लेते हैं यहाँ से। ये समझ आ गया, डाटा कोई भी सोर्स हुआ उठा के डाटा फ्रेम में रख दिया। अब सोर्स को कैसे रीड करना है, भाई पांडास में हर सोर्स को रीड करने के लिए मुतल्लिका फंक्शन मौजूद है, बस उसमें एबिलिटी है, क्योंकि वो बना ही डाटा के साथ खेलने के लिए, राइट, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है, ये देखो, अब ये कह रहा है एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रेम्स फ्रॉम CSV फाइल मीन्स गेट डाटा फ्रॉम एनी डाटा सोर्स। ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए, मेरा अपना जरा तरीका है, ठीक है, डाटा सोर्स एंड पुट डाटा इनसाइड अ इन मेमोरी डाटा फ्रेम,
वो डाटा फ्रेम मेमोरी में बन रहा होता है, वक्ती तौर पे होता है, ठीक है। विच इज अ रो कॉलम स्ट्रक्चर, ये एक रो कॉलम की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लाइक डेटाबेस टेबल, डेटाबेस का अगर डेटाबेसिस में अगर आपने कभी देखा है काम, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई एसक्यूएल, कभी देखा है आप दोनों में से? नहीं, डेटाबेस का नाम तो सुना है ना? तो डेटाबेस का नाम जो है, डेटाबेस में जो है ना एक चीज होती है, उसको कहते हैं जहाँ डाटा स्टोर होता है ना, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेबल। और टेबल बिल्कुल वो जो है ना रोज कॉलम्स का स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है? जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो क्या होता था, रजिस्टर्ड होते थे, कॉपी पे बंदा लिखता था, मुंशी क्या करता था, उठा के कॉपी पे लिखता था। आप गौर करो, उसने वो फुट्टा पकड़ा होता था, सबसे पहले वो रोज और कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। और वो 5-6 सफ़े मखसूस करता था किसी खास कैटेगरी का डाटा रखने के लिए, कि यहाँ मैंने फलाने का खाता लिखना है, ठीक है ना। अगर दुकानों में भी देख लो, सही है ना, तो ये वसीम का खाता, ये अली का खाता चल रहा है, ये जिशान का खाता चल रहा है, उसने 10-15 जो है ना सफ़े अली के लिए मखसूस कर दिए, 10-15 उसके लिए कर दिए, ठीक है ना। तो आप समझो वो 10-15 सफ़े ना वो एक टेबल है। स्ट्रक्चर कौन सा बना हुआ, वही रोज और कॉलम्स, ऊपर कॉलम्स लिखे हुए, इधर वो सीरियल नंबर, रो इस दिन ये लिया, इस दिन ये लिया। अब सीरियल नंबर जो है ना, रोज़ में आप डेट डालते जाओ, इस डेट को ये लिया, इस डेट को ये लिया, इस डेट को ये लिया, जो भी होता है वो काट देता है। इसी कॉन्सेप्ट को उठा के जिस वक्त डाटा स्टोर, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को स्टोर करने का शुरू किया गया, तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया कि ये डाटा बेस के टेबल्स हैं। वहाँ भी ऐसे ही होता है, सिर्फ उनमें फ़र्क ये है कि इन डाटा बेस के, ये रजिस्टर के ऊपर जो हमने काम करना है ना, वो हमने लिखना भी खुद है, निकालना भी खुद है। डाटा बेस के टेबल्स के अंदर हमने क्या करना है, वो एक लैंग्वेज है, इसको एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। वो आपने लैंग्वेज लिखनी है, वो आपको डाटा को डाल भी देगी, निकाल भी देगी, सही है बात। वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और एक मज़े की बात, वो लैंग्वेज इस डाटा साइंस का पार्ट है। अगर ये ज़रा ख़त्म हो लेना तो पांडास मैं आपको, अगर आप एसक्यूएल का करना होगा ना, तो वो एसक्यूएल भी मैं आपको करूँगा, एक अच्छा ग्राउंड बनाऊँगा, लेकिन याद करवाना मुझे, एंड पे करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि आपने डाटा से खेलना है ना, तो हर किस्म के साथ डाटा से खेलना आना चाहिए, एक ग्राउंड बन जाए एसक्यूएल की। मैं एक मिनट, अच्छा ओके, इन मेमोरी लाइक टेबल, नाउ यू कैन प्ले विद दिस डाटा फ्रेम एज नॉर्मल एज वी प्ले विद द डाटा बेस टेबल, राइट। अच्छा, ये CSV फाइल है, ये मैं जरा ना मेरी मशीन में पड़ी हुई, मैं जरा व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर दूँ, मैं अभी फिर इसको शुरू करूँ। प्रॉब्लम होती है तो आज बैंक करना, अगर करना तो डी एस
ये छोटा सा था, बनाने को हम हाथ से बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये CSV फॉर्मेट है, सिंपल सी चीज़ है, ये बेसिकली सैलरीज लिखी है, ठीक है ना, ये देखो सिंपल, ठीक है, नेम सैलरी एज, ठीक है, यहाँ एंटर कर दिया, दूसरी लाइन शुरू हो गई, ठीक है, नेम के नीचे जॉन आ गया, कॉमा दिया, पहले कॉमे के नीचे जो ऊपर वाली चीज़ है ये देखो ना, ये एक कॉलम बन गया सारा, ये दूसरा कॉलम बन गया, ये तीसरा, और पहले वाले को उसने कॉलम हेडिंग के तौर पर ले लिया, राइट, ये CSV फॉर्मेट, हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन का सारा सिस्टम है ना वो इस फॉर्मेट में सारा रखता है, ज़्यादातर मशीनों के लिए सबसे आसान फॉर्मेट ये है क्योंकि ईजी है, डेटाबेस को पहले रीड करोगे वो हैवी होता है, मशीन्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतनी हैवी चीज़ जो है ना उसके अंदर करें, फिर वो कॉलम को हैंडल करें कि डेटा को स्टोर करने के ऊपर जोर दें, वो इसमें कर देती हैं, ये उठा के खुद ही करते हैं जो करना है, सही है ना बात, चले ले जी बिस्मिल्लाह ये करते हैं, ओके हाँ जी हाँ जी बिल्कुल शेयर करें, एक डी हम इसमें जाते हैं CD कैप्टी, ठीक है जी, और ये पाइथन, ठीक है जी, यहाँ हम आए और खाली पाइथन ही कर लेते हैं, ठीक है, ले जी उस दिन भी हमने ऐसे ही किया था, तो ये देखो ये डाटा जो है ना ये सेम लेवल पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं करता हूँ वही दोबारा क्योंकि ये सेशन ख़त्म कर दिया था मैंने, तो मैं करता हूँ जी इम्पोर्ट पांडास एज PD, ठीक है, ये अगर कोई एरर नहीं दिया तो इसका मतलब मामला ठीक हो गया, ठीक है जी, इम्पोर्ट हो गया, पांडास हमने वन टाइम इंस्टॉल कर लिया था, मिल गया आपको, राइट, अब आ जाए जी, अब आपने क्या करना है, पांडास को करेंगे PD, ठीक है, डॉट फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है जी रीड CSV, रीड _ ये नाम है इसका फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है पांडास के अंदर CSV, ठीक है, राइट, ये फंक्शन है, इसको हमने क्या हवाले करना है, वो वाली CSV फाइल आपने हवाले करनी है, आप किस फोल्डर में पड़े बैठे हुए हो, आप बेसिकली आप इस फोल्डर में बैठे हुए हो, मैं पहले फोल्डर बंद हो के ले जी कैप्ट्री और ये फाइल, आप इस फोल्डर में बैठे, ठीक है, यहाँ बैठे हुए ये डाटा फाइल भी इधर ही पड़ी हुई, ठीक हो गया, CSV फाइल भी इधर ही पड़ी हुई है, लिहाजा हमें नंबर लंबे चौड़ा पाथ देने की ज़रूरत नहीं, वरना हमें पूरा पाथ देना पड़ रहा था, हम सीधा सीधा लिख देंगे data.csv, राइट, अब क्या किया इसने उठा के वो यानी इस फंक्शन ने ये CSV को रीड कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं उसका नाम रख देते हैं डाटा
फ्रेम, ठीक है, या डाटा फ्रेम नहीं रखना तो df का, ठीक हो गया। उसने उठा के ये पाइथन, इसका काम ही ये है कि ये एक डाटा फ्रेम जनरेट करता है और वो उठा के एक वेरिएबल में रख दिया। ले जी, ये डाटा फ्रेम बन गया, ठीक है जी। ले जी, अब इस डाटा फ्रेम को प्रिंट कर, नहीं numpy इस तरीके से देखो, numpy के अंदर जो है ना वो बेसिक अरेज बनाने की सारी कैपेबिलिटीज है। अब अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कहो ना कि ये काम ये कर, उनके नए नए वर्जन आते जाते हैं, मैं यहाँ बोल दूं नहीं वहाँ कोई फंक्शन निकल आए, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है ना, जी जी वो अपडेट करते जाते हैं। नए वर्जन का क्या मकसद होता है, नई नई चीज़ें डालते जाते हैं। आपने देखे ना, ये आपने जो चीज़ें याद रखनी है ना, कि जो चीज़ आपको प्रैक्टिस से याद होती है ना वही आपकी याददाश्त, प्रैक्टिस करते जाओगे खुद ही होता जाएगा। अब ये कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने बनाई भी है, खोलो हाँ फलां काम के लिए क्या फंक्शन है, देख लो और इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना बात। वो तो नहीं वो ख़त्म होने, वो तो जब तक आपको ये पांडास ये यहाँ तक आएगा वो अगर 10 फंक्शन और ऐड कर चुके होंगे, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए आपने एक ओवरऑल आइडिया लेना होता है। तो ये बेसिकली क्या शुरू हुआ, ये डाटा फ्रेम, आप जरा गौर करो उसने कैसे तरीके से किया, लेफ्ट साइड पे उसने सीरियल नंबर लगा दिया, यानी वही जो जिसको मैंने इंडेक्स कहा था। हाँ, अगर आप रो का नाम नहीं दे रहे ना, हालांकि रो का नाम तो होता भी नहीं है, कॉलम का नाम ही होता है, तो वो इंडेक्स लगा रहा है। गौर करो, ये तक एक्सेल शीट जैसी चीज बन रही है, ये है डाटा फ्रेम। अब इस डाटा फ्रेम के साथ आप खेलो, इसमें कॉलम का रेफरेंस भी मौजूद है और रो का भी मौजूद है, सही है ना बात। ये है डाटा फ्रेम, पांडास उठा के डाटा फ्रेम में ले आई, जिस किस्म का मर्जी कॉम्प्लेक्स है। अब सादा लफ्जों में सारी कहानियां अब इधर इधर आपने कर, पहले डाटा फ्रेम बनाओ, मुतल्लिका फंक्शन से डाटा को उठाओ, डाटा फ्रेम बनाओ, फिर डाटा फ्रेम से खेलना शुरू कर दो। अब डाटा फ्रेम कहाँ पड़ा हुआ है, डी एफ के वेरिएबल, अब जो भी गेम डालनी है आपने डी एफ के साथ डाल दी। सी एस वी की फाइल, देखो सी एस वी की फाइल आप मैनुअली भी बना सकते हो, ठीक है, मैनुअली भी बना सकते हो। आप एक्सेल शीट में डाटा पड़ा हुआ है ना, सी एस वी एक ऐसी कॉमनली यूज फाइल है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि दुनिया का हर सॉफ्टवेयर हर प्रोग्राम उसके अंदर सी एस वी में एक्सपोर्ट करने की ऑप्शन होती है। एक्सेल में जो लिखा हुआ है ना उसे कहो जी सी एस वी के तौर पे सेव कर दो, वो कर देगा। जब खोल के देखोगे ऐसे किसी किस्म का डाटा लिखा हुआ है, आप किसी डाटा बेस को कहो सी एस वी में एक्सपोर्ट कर दो, वो कर देगा। सी एस वी से इम्पोर्ट कर लो, वो कर देगा। इंतहाई कॉमन। देखो ना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चे, बात को समझो, डाटा पकड़ा जाता है, मैं ये वो वाले डाटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग वाले डाटा स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहा। डाटा पकड़ा जाता है अपनी निशानी से, मिसाल के तौर पे आप लिखो आपका नाम क्या है, निशान, आगे है मंशा, ठीक है, उसके बाद मैं आपके घर का एड्रेस लिख दूँ, कुछ और लिख दूँ, लाहौर लिख दूँ, ये लिख दूँ, वो लिख दूँ, कभी कुछ कर दूँ, कभी कुछ कर दूँ, ये ऐसे मिक्स कर दिया, पूरी थर्स्टी क्रो लिख दी आपके बारे में। भाई ना कोई इंसान पहचान सकता है कि इसमें से नाम कौन सा है। हाँ, अगर वो आपके कल्चर का बंदा होगा ना उसे पता लग जाएगा, हाँ जीशान नाम होता है। अगर कोई जापानी पढ़ेगा इसको, उसे नहीं पता लगेगा जीशान लड़की का नाम है कि लड़के का नाम है, उसको तो ये भी नहीं पता लगेगा ये नाम है, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रक्चर डाटा का पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल आप इस तरीके से एक बिल्कुल रॉ फाइल बना देते हो तो बताओ यार, इसके अंदर तो ढूंढना, उसके अंदर डालना अजाब है और एरर का फुल चांस है, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रोज और कॉलम्स का, ठीक है, वो तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये नहीं, अगर आप एक दे देते हो नाम, हाँ ये देखो, एक और भी तरीका है, नेम, फादर नेम, इफ योर फादर नेम इज मंशा, ठीक है ना, फादर नेम, आगे हाउस नंबर, एड्रेस, सिटी, राइट। उसका एक और तरीका क्या है कि आप ऊपर एक रो और बना दो, नेम, ठीक है, यही हमने, ये लो,
ये CSV फाइल बन गई। अब इसमें कोई पहचानने की चीज तो है ना। अब अगली लाइन में जब आना है ना तो एंटर प्रेस कर, यहाँ कुछ आपको लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा लेकिन एक एंटर का करेक्टर होता है, जिस तरह स्पेस आपने अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ी आपको पता होगा स्पेस भी एक करेक्टर होता है, नजर तो नहीं आता, ये देखो नजर आ रहा है कुछ, लेकिन वो उसको तो पता है वो एक करेक्टर लिखता है उसके अंदर, इस तरह एंटर भी एक करेक्टर होता है। अब वो एंटर करेक्टर से पहचानता है, अगली लाइन शुरू हो, फिर शुरू जी अली अली अगला नाम पूरा नाम बोलो ठीक है अली फ्रॉम गुजरांवाला ठीक है जी डन अगला रिकॉर्ड दिस इज CSV। अब आपके पास रीड करने को है ना कुछ ठीक है, एक काम करते हैं अगर हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा करेक्टर्स नहीं लिखे हुए तो एक काम करते हैं, हाँ ये एक वैलिड CSV होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं कुछ होना चाहिए क्योंकि वो एक स्पेस भी मैटर करती है ठीक हो गया बच्चे। ये लो जी हम एक काम करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की बजाय TXT की बजाय इसको कर देते हैं CSV, कर दिया। बाजू का ना कुछ स्टैंडर्ड होता है, अब यहाँ आए ले ली इसको डाटा फ्रेम में डाल दिया सही हो गया ना। अभी आपने हाथ से लिखा है, अगर यही डाटा कोई मशीन डाल दे कहीं से भी आ सकता है डाटा, कितनी जबरदस्त बात है कि इवन लाइव नेटवर्क चल रहा है, लाइव गेम्स चल रही हैं सर, यही तो मजा है डाटा साइंस का सारा, डाटा हवा में उड़ रहा है कोई चक्कर नहीं है, रोबोट से निकालना है ठीक है ना, कोई एनालिसिस हो रहा है, यहां तक हो सकता है कि कोई बोल रहा है टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए वो डाटा में कन्वर्ट होकर वो आपके डेटाबेस पर लाइव उठाता जा रहा है। आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसने उठाया आपने बोला कि जैसे ये फलां लफ्ज़ बोले ना मुझे आइडेंटिफाई कर दो, वो बोल बोल के डेटाबेस में डालता जा रहा है बनाता जा रहा है और साथ साथ रीड करता जा रहा है, ग्राफ बनाता जा रहा है ठीक है, जैसे ही बोलेगा ना वो पॉइंट कर देगा, ऐसे नहीं इस मौके पे ये लफ्ज़ बोला, ग्राफ पे क्या होगा आपने सेकंड सुबह कि पहले सेकंड पे ये किया फिर दूसरे ये किया फिर ये किया, ये जरा गौर करो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चली जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना एक डाटा की मदद से प्रेडिक्ट किया जाता है कि पहले ऐसा हुआ था तो आगे ऐसा होने का चांस है, हिस्ट्री को देखकर प्रेडिक्ट किया जाता है, आई समझ, वो रियल इंटेलिजेंस नहीं होती वो आर्टिफिशियल होती है, लेकिन वो डाटा इतना अवेलेबल होता है कि यार हर सिनेरियो उसमें कवर हुआ होता है तो वो चांस कम ही होता है कि वो गलत जवाब दे, वरना वो उससे इससे भी बड़े स्मार्ट होते हैं साले, जो सिनेरियो ना कवर उन्होंने एक सिनेरियो रखा होता है मुझे नहीं पता, वो कभी वो देख लो वो जो गाड़ियों के अंदर वो क्या कहते हैं वो मैंने देखा है वो रोबोट को ना क्या था आईफोन की कौन सी है जो यार डिजिटल असिस्टेंट जो है आईफोन का डिजिटल बड़ा प्यारा नाम है उसका, वो हिंदी सा नाम है उसका सिरी ठीक है ना, वो सिरी को ना कलमा तैयबा पढ़वा रहा है, सिरी को बताया वो काफरों ने पढ़ाई भी है उसको बताया कि भाई ये नहीं पढ़ना ठीक है, उसने ना घुमा के किसी तरह पढ़वा लिया उस ठीक है, बाद में वो कहता है अल्लाह अकबर है, अब सिरी को मुसलमान जाती है हमने ठीक है, सही है ना बात, सिरी बड़ी सियानी, उसको कहीं से भी पढ़े ना वो कह रहा है मुझे नहीं पता, वो कहती मुझे नहीं पता, बाकी अच्छा इसराइल का बोलो फट तुम देखो इनका सियानापन फट सब पता है, जैसे मुसलमानों की बारी आई कहानी खत्म ठीक है, तो यहाँ से वो देख रहा था कहते देखो कैसे कैसे वो चीप लोग हैं, देखो मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इन्होंने इस पर भी अपनी बायसनेस रखी हुई है ठीक है ना बाप, तो वो सिरी को उसने पढ़ाया वो मामला हो गए ठीक है। ये देखो जी ये हमने डाटा फ्रेम बना लिया, ये देखो इससे मैं आपको एकदम मिला था कि हमने तो हाथ से लिखा था देखो आ गया, तो ये CSV फाइल थी ठीक है। अब हमने भाई डाटा फ्रेम के साथ खेलना ठीक है, अच्छा अगला करते हैं जी ये जी इसी को पकड़ लेते हैं, डाटा फ्रेम बन गया हुआ पुराना डाटा, क्योंकि वैल्यू सेम थी अब पुराने डाटा फ्रेम की वैल्यू चेंज हो गई भी है उस मेमोरी लोकेशन पे, ये नया डाटा फ्रेम आ गया, जाहिर है नेम सेम था तो वो उस नेम के ऊपर पुरानी चीज रेज होकर ये डल गई, या तो नेम डिफरेंट करो फिर वो नई मेमोरी लोकेशन बनाएगा ठीक है। हम क्या करते हैं
हम एक काम करते हैं, ये देखो मिसाल के तौर पे अगर हमने इसमें से अब खेलना शुरू करते हैं इसके साथ, हम कहते हैं कि क्या करें जी, हम इसके अंदर जो है ना क्या करते हैं, प्रिंट करें डाटा फ्रेम, नज़र नहीं आ रहा, अब देखो डाटा फ्रेम को प्रिंट करें, ये लें इसमें आए, ठीक है, और आपने प्रिंट क्या करना है ज़रा गौर करो, तो क्या कह रहा है जी, सैलरी, ये देखो ये हमने कॉलम का नाम दे दो, सबसे ऊपर जो है वो कॉलम का नाम है, डाटा फ्रेम में उसने पहली लाइन लेनी ही कॉलम के नाम के तौर पर, उसने वो डाटा के तौर पर नहीं लेनी है, ज़हन में रखना। एग्जैक्टली नहीं, वो हमारे अपने डाटा में प्रॉब्लम होगी भाई, कॉलम का कोई नाम भी तो होना चाहिए ना, आप डाटा में हमेशा पहले कॉलम का नाम लिखो। अगर कभी ये इसको करेंगे ना, एनालिसिस करना होगा, मेरे पास ना मतलब हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट्स की CSVs पड़ी हुई हैं जो टेलीकॉम सिस्टम ने जनरेट की हुई, वो मैं आपको लाकर दूंगा, उस पर आपने एनालिसिस जनरेट करना है। उस पर हमने ना बिल्स बनाए थे पूरे, जरा PTCL बिल नहीं भेजता, वो बनाए थे PHP के अंदर, आप उसको पाइथन के अंदर करो, पाइथन तो बहुत पावरफुल है, ठीक है। ले जी हम क्या करेंगे जी, नेम क्या किया, उसने नेम प्रिंट कर दिया, उसने वो पूरा, ठीक है, नेम को मैंने कहा, नेम को उसने ऐसा कॉलम नेम लिया था, ठीक है, और उसने जिशान और अली उसकी वैल्यूज प्रिंट कर, राइट। तो अब हम अगर करें तो स्पेलिंग गलत हो गया, क्या हुआ, फादर नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो आना चाहिए, नेम ले तो नेम दे रहा है, लेट्स सी, एक मिनट, एक्सेप्ट डेट कॉज एक्सेप्शन मोस्ट रिसेंट STDIN, ये गौर करो जरा, ये कौन सा लिखा हुआ, ये स्टैंडर्ड इनपुट कैट लकेस की एरर फ्रॉम EWR, बस वो CSV फाइल के अंदर बनने में ना कोई स्पेस पोस्ट कुछ एक्स्ट्रा चली गई, खैर वो देख लेते हैं, ये तो चीज़ें आएंगी, सारा कुछ होगा, लाइक हमने ये किया, आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं, नॉट टू स्टॉप, मल्टीपल लिस्ट्स, ये तो वही है, एक काम करते हैं दोबारा, हमने अपना वो लिया है तो डाटा स्ट्रक्चर्स की बजाय ना डाटा ले लेते हैं, वो स्टैंडर्ड है, वो टेस्टेड है, ठीक है, अब इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, बात आपको समझ आ गई है, मसला ख़त्म, ठीक है जी। तो अब हम इस पे ओके, पहले हम DF बना के चेक कर लेते हैं, DF आ गया, आ गया जी, ठीक है जी, आप DF के अंदर जाओ और ठीक है, सैलरी ले जी, आ गए, ठीक हो गया, वो देखो ना उसको बनाने में कोई करेक्टर के रूप में ऐड हो गया, अब हमारे ना हमारे पास अब वो टाइम नहीं है कि हम वो करें, उसका वैसे बेहतरीन तरीका पता क्या होता है, बेहतरीन तरीका अभी हमने किया था मैनुअली हाथ से, उसको किसी सॉफ्टवेयर के हवाले करो, तो पता क्या करेगा, वो उसकी वैलिडिटी चेक करेगा, कोई हिडन करेक्टर तो नहीं क्या लगा हुआ, समझ आएगी बात की, वो वैलिडिटी चेक करेगा कि ये वैलिड CSV है, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर का करेक्टर तो नहीं बीच में लगा हुआ, हमें तो नहीं नजर आ रहा है ना, ठीक है ना, तो वो जब डेटाबेस और एक्सेल शीट करती है ना तो वैलिडिटी चेक करके बनाती है, सही है, तो आपने वैलिडिटी चेक करवा लेनी है, बस बात खत्म हो गई, वो फिर ये एरर्स नहीं देगा। अब देखो ना अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब ये सीधा ये लो एज, अब नहीं प्रॉब्लम हो रही है इसको, ये लो ठीक है, क्या चीज, पहले वो किसी करेक्टर की, कोई करेक्टर है उसको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है और वहां वो कंफ्यूज हो रहा है, ये भी हो सकता है कोई डाटा टाइप्स डिफरेंट हो उसके अंदर, वो अभी उस चक्कर में हम नहीं पढ़े, चलो अच्छा हो गया, इस सिनेरियो से आप गुजरे, आपको पता लग गया, yes, क्या आपने वैलिडिटी चेक कर लेनी,
ठीक हो गई बात, ले जी वैलिडिटी हो गई राइट। अगर हम आप देखें जी, आपने डाटा निकालना है ना, आप कहते हो ये डाटा फ्रेम आया है, मुझे ये दिखा दो, कहते नहीं होते मुझे ये दिखा दो, क्या दिखा दो जी, नाम दिखा दो, मुझे सारा डाटा नहीं चाहिए, हो सकता है वहाँ 50 कॉलम्स हो, ठीक है ना। आपके तो यहाँ आप कहो जी मुझे नेम दिखा दो और एज दिखा दो, वेट करो यार, ये हमारे इससे कोई प्रॉब्लम है, चलो वेट शो तो ये से फंसा लग रहा है, देखते हैं एक मिनट, टाइपिंग का मसला आ रहा है अभी, अब सैलरी और नेम और सर, ओप्स ओप्स ओप्स, रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी, हाँ वो गलत नहीं था, हम गलत थे, ये देखो ये डबल लगा नहीं, ये पता क्या था सुनो, वो जो था ना मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ फिर गलती कर, ये क्या, ये डाटा फ्रेम का इंडेक्स के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये इंडेक्स की स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये आप उसके इंडेक्स के लिए उसके अंदर एक अलग कलेक्शन डाल रहे हो, यानी सिंगल वैल्यू डालनी है, सिंगल वैल्यू डालनी है, बिल्कुल ठीक था वो हमारा, वो गलत नहीं था, हम गलत कर रहे थे, सिंगल वैल्यू डालनी है तो आपने बस ऐसे डाल दिया, डबल करनी है तो आपको, क्योंकि डबल वो सिंगल वैल्यू नहीं होती, वो एक अरे होती है, तो ये बिल्कुल अरे वाला आपने डालना है, यानी आप मल्टीपल वैल्यूज उसको पास कर रहे हो, ठीक है, अब भी मसला इंशाल्लाह होगा, ठीक है। जो पहली वो ये पहली स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो डाटा फ्रेम के इंडेक्स के लिए, याद है हम इंडेक्स के लिए इंडेक्स नंबर लिखते हैं ये वो, ठीक है, और दूसरी जो ब्रैकेट है वो मल्टीपल वैल्यूज की यानी कलेक्शन की है या अरे की है, राइट। तो ये हो गया, ले जी ये हमने अब देखनी, अब तो अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, अब तो कोई मसला नहीं रहा, कॉम्बिनेशन क्या था जी, नेम है, लो जी अब हम कहते हैं जी पहले सैलरी दिखाओ, बाद में एज दिखाओ, बाद में नेम दिखाओ, अब ये बिल्कुल सिंपल सा है ना, इसलिए हमें शायद फील नहीं हो रहा, जब ये बहुत ज़्यादा डाटा होगा ना तो हमें इसी चीज़ का फ़ायदा महसूस होने लग जाएगा कि यार ये तो जैसे मर्जी खेलो इसके साथ, ठीक हो गया, समझ आ गई बात की, अच्छा सॉरी क्या कर दिया मैंने, ठीक है यहाँ तक समझ आ गए, जैसे मर्जी आप घूम लो, किसी किसी आपने उसको करना है तो आप कर लो और कोई मसला नहीं उसके अंदर, राइट। तो अच्छा इसके आगे चलते हैं जी, आगे जी नेम हो गया, हाँ ले देखो जी आगे वो एग्रीगेशन एग्रीगेट्स कहते हैं इनको, एग्रीगेट फंक्शन जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको चेन फंक्शंस बताए थे, अब डाटा टाइप सेम होगी, ये देखो ये वाला हम निकाल देंगे बीच में से, इसके अंदर हम क्या करेंगे मैक्स, ये ठीक है क्या था मैक्स, राइट। सैलरी हमने पकड़ी, नाम ठीक, कॉलम का नाम ठीक होना चाहिए, हम कहेंगे जी इसकी जो मैक्सिमम सैलरी है ना वो दिखा दो, देखा इस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी, ये 1,20,000 बनती है, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह के बेतहाशा फंक्शन होंगे, आपको आइडिया हो गया वहाँ जाके बंदा ढूंढ सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली 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 ये डॉट क्यों है, देखो पहले ये जो चीज़ होगी ना डी एफ सैलरी, ये एक रिजल्ट जनरेट करेगी मेमोरी के अंदर,
फिर डॉट लगा के जो आगे फंक्शन काम करेगा ना, वो उस रिजल्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। डॉट का मतलब है कि जिसके आगे डॉट लगा हुआ है वो मेमोरी में एक रिजल्ट जनरेट हुआ है, उस रिजल्ट के ऊपर ये काम कर रहा है। ये देखो ना, अब ये देखो रिजल्ट क्या जनरेट हुआ है, ये ठीक है, और उस रिजल्ट के ऊपर क्या काम करना है, मिनिमम रिटर्न पर आ गया, ठीक है। आगे आगे फंक्शन जो मैंने लिखे हुए हैं वो कर लेते हैं जी। एक मीन का फंक्शन है, मीन आपको पता है मैथ्स में, ठीक है, ठीक है, ले राइट। तो ये आप कर सकते हो और ठीक है, है ज़्यादा लेगा कोई मसला नहीं है, अगर इतना करना है तो ये भी ठीक है, ठीक है, वो भी पिछला भी रहता है। और मुझे ये बताओ कि नहीं नहीं मैं आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तो आगे दो क्लासे लेने को तैयार हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको आना चाहिए बस। तो ये ख़त्म ना करने को इतना बड़ा मसला तो नहीं है, अगली क्लास में मैं चलो एक काम कर लेते हैं, अगली क्लास में ना दो क्लासों में इसको दोबारा जो है ना, एक क्लास भी नहीं लेंगे, दो क्लासों में इसको दोबारा करेंगे। आप लोग अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे किस चीज़ की, नुक्स निकलेगा, सारा कुछ होगा। तो दो क्लासों में जब तक पांडास आपको उंगलियों पर नहीं नाचेगी हम नहीं आगे जाएंगे, डन। दो क्लासेस रख लेते हैं ये, आज कम से कम पांडास पूरा देख लो, अब करना क्या है, देखना ही और क्या करना है, ठीक है। बाद में आपने प्रैक्टिस ही करनी है, अगर आप कहोगे तीसरी क्लास लेनी, मैं तीसरी ले लूँगा उस चीज़, कोई इशू नहीं है, ताकि हम पूरे भार से ना प्लॉटली के ऊपर जाएँ, चीज़ें फिर एडवांस होती जा रही हैं। अगर आपने ये चीज़ें, तो मुझे भी पता है अगर आपने ये चीज़ें सही तरह आपकी प्रैक्टिस ना हुई, अब फिर चीज़ें आपके हाथ से निकलने लग जाएंगी। ये पाइथन का बिगनर लेवल का कोर्स नहीं है, वो तो इंट्रोडक्शन हल्की सी मैंने दे दी आपको, आप लोगों को आइडिया भी हो गया, प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे आप आगे जाते जाओगे चीज़ें एडवांस हैं। पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है, फिर लॉजिक्स आएंगी बीच में, फिर पाइथन का प्रैक्टिकल इस्तेमाल आएगा, पांडास का प्रैक्टिकल इस्तेमाल आएगा, ठीक है ना। ग्राफ्स बन रहे हैं, चार्ट्स बन रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की एप्लीकेशन बनेगी, फिर हमने हवाई जहाज़ों को लाइव ट्रैक करना है कि इस वक्त कौन सा जहाज़ काम कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें जब बनाओगे आपके हाथ में खुल जाएंगी वो, जब ये वाले इस लेवल के प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से गुजर जाएंगे ना, तो आपका जो लेवल होगा ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन चीज़ें चूँकि कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ये मुझे भी पता है, ये तो बेवकूफ़ी होगी कि मैं आपको जो है ना आपको समझ आ नहीं रही, मैं आगे जाता जाऊँगा, तो फिर तो कुछ दिनों के बाद आपको बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा क्या होगा, राइट। तो इस पे होना चाहिए, थोड़ा सा देख लो बस कि पांडास का के अंदर ये है, ये आपने देख लिया, मिन में इस तरह की फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। और अब देखो ये देखो ये क्या है जी, कंडीशनल फिल्टर्स हैं, ठीक है। ये किस पे लगाए हुए हैं, वो ज़्यादा वो हमने उसके नम पाई के अंदर भी लगाए थे, तो यहाँ डाटा फ्रेम के ऊपर लगा लेते हैं। ये लो जी डी एफ, ठीक है जी, ठीक है, डी एफ को हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है, एज के ऊपर लगा लेते हैं जी, हम क्या कहते हैं जी एज। ये कंडीशनल फिल्टर लगाया कि जिसकी एज मिनिमम कितनी है, 30 से कम है, राइट। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल के अंदर इसको डाल देता हूँ, फिल्टर, ठीक है, या लिख देते हैं एज फिल्टर, ठीक है। ये वेरिएबल के अंदर डल गया, अभी दिखाएगा नहीं है, ये आ गए, क्या करेंगे दिखाने के लिए, प्रिंट एज फिल्टर, ये वो यहाँ सिर्फ वो ये दिखा रहा है कि पहली दो जो थी ना वो उस कंडीशन पे पूरे उतर रही है, आखिरी वाली नहीं उतर रही, ठीक हो गई बात। तो इस पर कुछ रह नहीं गया, वो छोटी सी चीज़ है, ठीक है, कि एज फिल्टर आपने लगा दिया, आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब अगर आपने उसको राइट, ये देखो इस तरह, ये उसने सिर्फ वो दिखाया, देखो अब अगर आप करते हो प्रिंट डी एफ, उस वक्त उसने सिर्फ ये बताया, उसने सिर्फ टाइप रिटर्न की है, जब आपने कहा ना कि डाटा फ्रेम के अंदर जाकर ये कर लो, ठीक है। तो वो जो फिल्टर आपने अप्लाई किया हुआ था ना, बेसिकली वहां आपने पहले कहा कि भाई एज फिल्टर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, चलो इस बात को दोहराते हैं, कहानी खत्म। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आपको, एज फिल्टर आया डी एफ एज जो 30 से कम, ठीक है ना, कम है कि ज़्यादा है, तो क्या होता है, जहाँ मुंह खुला वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 30, राइट। जो ग्रेटर देन 30 जो है ना, एज जो होगी ना ग्रेटर देन 30 वो रिटर्न कर, ठीक है।
तो हम वहाँ देख लेते हैं 30 से ग्रेटर कौन कौन सी है। ये सिर्फ 27 ग्रेटर नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, ग्रेटर देन 30 का आपने एज फिल्टर लगा दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और आपने उसको एक एज फिल्टर के वेरिएबल के अंदर डाल, ठीक है, डाल दिया। अब यहाँ सिर्फ वो ये बताएगा कि ये इस जो एज फिल्टर का है ना, इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ होगी, इसके अंदर अभी भी कंडीशन ही है, एक कंडीशन का रिजल्ट है कि ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, ये बता रहा है सिर्फ, आपको रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ फिल्टर का रिजल्ट आ रहा है कि भाई ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जो फिल्टर है ना, ये डाटा फ्रेम के अंदर लगा, ठीक है, अभी लगाया नहीं, अभी तो आपने डाटा फ्रेम से वो फिल्टर का रिजल्ट जनरेट किया, ये थोड़ा सा है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ये अब फिल्टर जो है ना, ये डाटा फ्रेम में लगाना है, कैसे, डाटा फ्रेम इसको फिल्टर पास कर दो, एज अब रिजल्ट जनरेट करेगा। अब वो क्या करेगा, जहां फॉल्स होगा ना वो दिखाएगा, खत्म, ट्रू वाला दिखा देगा, तेरा तो आगे भी है, छोड़ो, ठीक है, सही है ना, कोई नहीं, बस ठीक है, कुछ कुछ नहीं होता, हम बस हमने चलना है, क्लियर हुआ बात, ठीक है। अब देखो डाटा के साथ ही खेला जा रहा है, डाटा को एनालाइज करना, ये करना, एक होती है एसक्यूएल लैंग्वेज, उसमें भी इसी किस्म के काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये देखो इसकी जो पावर है ना भाई, आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ा डाटा आप कहाँ से, किसी रिपोर्ट में से निकल के आ रहा है, आप पीछे ना एक रियल टाइम की एक लाइब्रेरी पाइथन की इंस्टॉल करके उससे पांडास को कहो कि इससे उठा लें, वो लाइव डाटा आ रहा होगा, जो बोले जा रहा होगा वो यहाँ आ जा रहा होगा, अब उसको आपने यहाँ शो करते जाओ या ग्राफ्स बनाते, उसमें पाइथन की टेक्स्ट टू स्पीच बीच में लगा दो, मिसाल के तौर पे वो एक वर्ड आया, जैसे ही वो खास वर्ड बोलेगा ना, ठीक है, तो वो यहाँ आएगा, एकदम आपका सॉफ्टवेयर बता देगा इसने ये लफ्ज़ बोला, आखिर में एनालिसिस बताएगा इसने ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा बोला है। आप जरा सोचते जाओ कि ये कहानी किधर को जाकर रुकनी है, ये नॉर्मल डाटाबेस नहीं है, तभी तो इसकी इतनी वैल्यू, इसको तो दुनिया की किसी चीज़ पे अप्लाई कर दो यार, ये डाटा आप पता कहाँ से निकाल सकते हो, गूगल मैप से डायरेक्टली, एक बंदा ब्राउज कर रहा है तो ये हैकिंग वोकिंग नहीं होती, ब्राउज कर रहा है, इसने यहाँ ब्राउज किया था, इधर गया था, इधर गया था, इधर गया था, डाटा फेंसिंग हुई थी, ये हुआ था वो, ये ऐसी लैंग्वेज है, ये किसी भी मशीन के अंदर चल पड़ती है, डेटाबेस की तो बहुत लिमिटेड सी चीज़ होती है, वो तो एक खास एनवायरनमेंट के अंदर अचानक काम हो रहा होता है, ठीक है। इसकी ना मेरा ख्याल है हमारा ये ख़त्म हो गया, इसका सिर्फ आप ना इसकी लिमिटेशंस को चेक करो, आप दोनों ने ना बैठ के डिस्कस करना है, देखना है कि फिर डेटा कहाँ से आ सकता है, एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, उसका डाटा कहाँ से आ रहा है, वो कहते हैं एक क्या कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ना, बी वी आर सिस्टम होता है, कभी देखना आपको पता, बी वी आर जो है ना वो सिस्टम लगा हुआ है, उसने रडार्स वगैरह ने जो भी सिस्टम है उसने डिटेक्ट किया कि 45 किलोमीटर के फासले पे ना इंडिया का जहाज़ उड़ रहा है, यहाँ मुझे कोई ऑब्जेक्ट नज़र आया, सिस्टम ने वो किया है, डाटा आ गया, डाटा ही है ना, डाटा के अलावा कुछ नहीं होता, डाटा आया, उसने उसको पकड़ा, उसने कहा जी मेरा चेक किया कि क्या ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, वहाँ डाटा में कहीं लिखा होगा ना किलोमीटर इतने, फलाना कितना, डायरेक्शन कितनी, ये वो सारा इस तरह का डाटा फ्रेम बना हुआ होगा, उसने डाटा फ्रेम पकड़ना है और मेमोरी में बना हुआ पकड़ना है, उसने देखना अच्छा यहाँ ये है, उसने BVR जो मिज़ाइल सिस्टम है ना वो लॉन्च कर देना, सिस्टम ने खुद ब खुद, उसके पास हर किस्म के मिज़ाइल होंगे ना, उसने मिज़ाइल भी वो लॉन्च करना है जो सेटेलाइट गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज है, उसके उसने प्रोजेक्टाइल मोशन चेक करनी है, वो यहाँ तक ये भी बता देगा कि भी आपने ऐसे मारना है और इस तरह जाना है, कोई मिज़ाइल होते पीछे लग जाते हैं, ये अभिनंदन साहब इस तरह फारग हुए, उन्होंने होना नहीं था, वो तो नज़र भी नहीं आ रहा था, उन्होंने वो सिस्टम फायर किया, चेक किया, उन्होंने जी पता लगा आराम से, ठीक है ना, पायलट की बल्ले बल्ले, हमारे पायलट की बल्ले बल्ले हो गए, अब गौर करो डाटा ही आ रहा है ना, मशीन ने डाटा जनरेट किया उसका,
सेंस किया, कोई सैटेलाइट से सेंस कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है। अब अगर आप प्योरली डेटाबेस के ऊपर आओगे, वहाँ तो एक लिमिटेड सा सिस्टम पड़ा होगा, उसी में से डालना है, उसी में से निकालना है। ये डाटा देख लो, कहीं से भी आ सकता है, किसी रिमोट में से आ सकता है, किसी जहाज में से आ सकता है, शिप में आ सकता है, सैटेलाइट में से आ सकता है, आपके बोलने से आ सकता है। इसकी लिमिटेशंस देखो और सोचते जाओ, आपका दिमाग पागल होता जाएगा। आप कहोगे यार तो एक्साइटेड हो जाओगे एकदम, यार तो मैं तो पता नहीं क्या कर सकता हूँ उससे। तो ठीक है, डन, चलो डन, ठीक है जी, ओके ओके सर। मतलब दौड़ने को तैयार होते हो बस, है सही है, शेयर कर देना ये। हाँ हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर, ओके जी, चलो ठीक है।